हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्यावर्त स्टडी। आज हम इस वीडियो में वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और वर्ग के बारे में जानेंगे। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई है, मैंने आयत के बारे में बताया था और सभी चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, इन सभी के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने सभी के बारे में डिस्कस किया है कि उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं, है ना, और वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, ये सभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। तो यहां जो है हमारा इस वीडियो में है वर्ग, है ना। हमको वर्ग के बारे में जानना है और वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाई है पार्ट वन और पार्ट टू, तो उसमें मैंने वर्ग के बारे में डिस्कस किया था। तो वर्ग का जो क्या होता है, परिमाप होता है, वो कैसे निकलता है, तो परिमाप के लिए मैंने बताया था क्या होता है, 4a, है ना, a हो गई हमारी भुजा और 4, है ना, 4 भुजा होती है ना, ये वर्ग हो गया। मान लो ये वर्ग है एक, है ना, वर्ग का डायग्राम मैंने बना दिया। अब ये एक वर्ग है मान लो, है ना, तो इसकी 4 भुजा है, ये भी a है, ये भी a है, और ये भी a है, और ये भी a है। अब a इसलिए है क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती है, है ना, और परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, है ना, जितनी भी भुजाएं हैं या फिर जितनी भी साइड हैं उन सभी का योग। तो यहां 4 भुजाएं, तो 4 भुजाओं का योग 4a होगा, तो परिमाप ये हो गया। और क्षेत्रफल होता है हमारा, क्षेत्रफल होगा हमारा क्या, भुजा गुणित भुजा, मतलब a गुणित a, है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई आयत में होता है। और इसमें भुजा गुणित भुजा क्यों होता है, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती है इसकी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। और एक चीज और होता है विकर्ण, ठीक है। अब विकर्ण कैसे निकालते हैं वर्ग का, तो विकर्ण देखिए, विकर्ण हमने ये डाल दिया विकर्ण, ठीक है। अब मैंने जो बताया था वर्ग वाले, जब मैं वर्ग को समझा रहा था तब उसमें मैंने बताया था विकर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो कर्ण हमारा क्या है, ये है, है ना, तो कर्ण हमको क्या है, विकर्ण ही मान लेते हैं कर्ण को, है ना, ये जो कर्ण है यही विकर्ण भी है हमारा, है ना। इसमें देखो त्रिभुज जो बन रहा है, ये वाला बन रहा है जो, इसमें ये जो विकर्ण है यही कर्ण है, है ना, तो विकर्ण बराबर आ जाएगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो अन्य दो भुजाएं क्या है, ए, और ये भी है ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां भी विकर्ण का क्या होगा, स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर होता है ना, तो विकर्ण का भी स्क्वायर होगा। अब बराबर में अगर हम यहां करें तो 2 क्या जाएगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। और यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो यहां कर्णी लग जाएगी और बराबर में विकर्ण आ जाएगा, आ जाएगा। और यहां जो आ जाएगा बराबर, यहां a निकल आएगा बाहर क्योंकि स्क्वायर है और अंदर 2 ही रहेगा, है ना, तो ये आ जाएगा विकर्ण बराबर a अंडर रूट 2। तो आपको याद रखना परिमाप 4a, क्षेत्रफल a स्क्वायर, और विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला है a अंडर रूट 2, ठीक है, क्लियर। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा व विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होगा, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोला है, किसी वर्गाकार खेत की भुजा, है ना, अब वर्गाकार खेत है मतलब चार भुजाएं बराबर होंगी, है ना, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक खेत है जो कि क्या है, वर्गाकार है, चार भुजा इसकी क्या है, बराबर है। अब अगर ये 45 मीटर क्या बोला है, एक भुजा है, बोला है ना, किसी वर्गाकार खेत की भुजा क्या है, 45 मीटर है, तो ये 45 है तो ये भी 45 मीटर होगी, और ये भी होगी 45, और ये भी होगी 45 मीटर, क्लियर। अब ये हो गई हमारी भुजा, अब क्या बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी मैंने बताया क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, है ना, तो भुजा हमारी क्या है 45, तो 45 का स्क्वायर ये आ गया। अब 45 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये निकाल लेते हैं हम, तो 45 गुणित 45, अब ये करें तो 5 25, 5 हाँ सलाई 2, 5 दुनी 5 चौके 20, 20 दो 22, ये आ गया 225, है ना, और 4 पंचे 20, 20 के 0 हाँ सलाई 2, और 4 चौके 16, और 2 18, ये हो गया।
अब आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 10, 1 हंसलाई और ये हो जाएगा 2, मतलब आ जाएगा 2025। क्या आ जाएगा? 2025। और क्या आ जाएगा? वर्ग मीटर, है ना, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है, इकाई स्क्वायर होती है, ये हमने बताया था। अब हमको क्या बोल रहा है कि अब हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, अब हमको ज्ञात करना है विकर्ण की लंबाई, मतलब यहां से हम एक विकर्ण डालते हैं और इसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है, क्लियर। तो इसके लिए भी हमने फॉर्मूला बताया था, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या बताया था, यह है विकर्ण ए अंडर रूट टू, ये है, तो ए अंडर रूट टू लिख दो, विकर्ण बराबर क्या हो गया था, ए अंडर रूट टू, तो ए हमारा क्या है 45, तो हमने ले लिया 45 और अंडर रूट टू तो है ही है, ये आ जाएगा हमारा आंसर, और ये कहे में है मीटर में, तो मीटर लिख दिए हमने। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले अच्छे से समझ लेना है, याद नहीं करना है, आपको समझना है, समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आप अच्छे से फॉर्मूले को समझ लीजिए, इसके पहले वाली वीडियो मैंने बता भी दिया है, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ लेते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन, जो कि है एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है ना, एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की लंबाई की अंडर रूट 2 गुना है, नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, है ना, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। तो क्या बोल रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 200 वर्ग मीटर है ना, एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की अंडर रूट 2 गुना है, नए वर्ग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, क्लियर। तो यहां क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर, भुजा गुणित भुजा होता है ना, ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है हमको, 200 वर्ग मीटर, ये दिया है 200। तो यहां से हम पहले, ये क्या बोल रहे हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल है और इसके बाद एक और नया वर्ग है, तो ये हम पहले वाले वर्ग का बात कर रहे हैं ना, तो यहां से हम ए की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ए आ जाएगा और बराबर में यहां अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो यहां 200 और इसको अगर हम जब इसके फैक्टर करेंगे तो यहां से हमको 10 बाहर मिल जाएगा और 2 क्या अंदर ही रहेगा, तो ये हमको ए बराबर मिल गया पहले वाले वर्ग का, है ना, ए बराबर, ए क्या है हमारी भुजा है, ठीक है, हमको भुजा मिल गई। अब बोल रहा है कि एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि उसके विकर्ण की लंबाई, है ना, एक नया वर्ग जो बनाया गया उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण के अंडर रूट 2 गुना है, तो इसका हम विकर्ण निकाल लेते हैं, पहले वाले का भी विकर्ण निकाल लेते हैं, नए वाले का भी विकर्ण निकाल लेते हैं। तो पहले वाले का जो हमने भुजा तो निकाल ली, तो विकर्ण भी निकाल लेंगे, तो विकर्ण बराबर क्या होता था, विकर्ण बराबर होता है ए अंडर रूट 2, ये होता है ए अंडर रूट 2, तो ए बराबर तो हमारा आ ही गया है 10 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अब अंडर रूट का गुणा होगा तो यहां ओनली क्या बचेगा, 2 बचेगा, है ना, यहां से ये कट जाएगा, तो अंडर रूट 2 को अगर हम करेंगे तो ओनली 2 बचेगा, तो यहां आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 20 मीटर। तो हमारा क्या आ गया, यहां भी मीटर रहेगा, है ना, विकर्ण बराबर आ गया 20 मीटर, ये आ गया। अब विकर्ण बराबर ये पहले वाले का आया विकर्ण, है ना, पहले वाले वर्ग का। अब नए वर्ग की बात करते हैं ना, तो नए वर्ग में क्या बोल रहा है कि जो नया वर्ग है इस प्रकार बनाया गया कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की अंडर रूट 2 गुना है, क्लियर, अंडर रूट 2 गुना है, ठीक है, नया विकर्ण। तो अब हम नया विकर्ण अगर देखें तो नया विकर्ण बराबर क्या है, अंडर रूट 2 गुना है किसके, पहले वाले विकर्ण के। तो यहां हम कर देते हैं ये, इसको बराबर करने के लिए हम यहां गुणा कर देंगे अंडर रूट 2 का, किसमें 20, विकर्ण क्या है हमारा 20, पहले वाले के विकर्ण में अंडर रूट 2 गुना है, तो ये कर दिया हमने, नया विकर्ण आ गया, ठीक है, तो ये इसके बराबर है नया विकर्ण। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 हम आगे लिख लेते हैं अंडर रूट 2, ठीक है, ये नया विकर्ण आ गया। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर फिर वही होता है ए अंडर रूट 2 ही होता है ना, तो यहां जो है हमको ए की वैल्यू मिल गई, नए विकर्ण में ए की वैल्यू क्या मिल गई, 20, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 दोनों जगह है, और ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20, तो ए बराबर आ जाएगा 20। ये हमको किसका मिल गया 20, ये नए विकर्ण की भुजा मिल गई, और पुराने विकर्ण की भुजा कितनी है 10 अंडर रूट 2, लेकिन हमको नए विकर्ण की भुजा कितनी मिल गई 20।
अब बीज मिल गई नए नए विकर्ण की, मतलब नए वर्ग की भुजा मिल गई हमको 20, तो अब हम नए वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना, वही हमको ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, मतलब ए स्क्वायर। तो यहां ए की वैल्यू कितनी है 20, और यहां हम कर देंगे स्क्वायर, तो 2 × 4 मतलब आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बराबर यही आ जाएगा, क्लियर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है और करना है। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। अब क्या बोले, यदि किसी वर्ग के विकर्ण, तो हम एक वर्ग देख लेते हैं, ये एक वर्ग है, ठीक है, ये एक वर्ग डायग्राम हमने बना लिया। अब इनकी भुजाएं तो बराबर ही होंगी, ए ए ए और ए, क्लियर। अब बोले यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए, तो हम पहले तो देखते हैं कि सबके क्या क्या होती है। तो जो हमारी भुजा होती है वो क्या होती है, भुजा बराबर हो जाएगा ए, क्लियर। फिर दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है, विकर्ण, तो विकर्ण हमारा क्या कहलाएगा, यहां विकर्ण बराबर जो हमने निकाला था वो होता है ए अंडर रूट 2, यही होता है ना। फिर हमारा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर हमने अभी तक क्या लिया है, ए स्क्वायर भुजा गुणित भुजा, ये हमने क्लियर कर दिया। अब बोल रहा है कि जो यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दीजिए, अब जो नया वर्ग बनेगा, मतलब है ना, तो उसमें क्या बोला है कि नए वर्ग जो बनेगा उसमें विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए, तो विकर्ण हमारा ये है, ठीक है, इसको हम दुगुना करेंगे, तो नया विकर्ण है, ठीक है। अब नया में क्या होगा, विकर्ण 2 का गुणा हो जाएगा इसमें, क्योंकि दुगना करने को बोला है। तो नया अगर हम देखें विकर्ण, तो क्या आ जाएगा, 2 गुणित और विकर्ण हमारा ये है ए अंडर रूट 2, ये आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2a√2, है ना, और ये नया विकर्ण है। अब यहां विकर्ण है, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, a√2, है ना, ये है ना। तो ये जब है तो यहां √2 यहां है, √2 यहां है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2a, क्योंकि दुगना हो जाएगा, है ना। तो जो विकर्ण कहलाएगा वो जो ये कहलाएगी भुजा 2a, क्योंकि √2 को छोड़ के जो बचता है वो भुजा कहलाती है, है ना। ये a ना मानकर हम यहां भुजा भी कर सकते हैं ना, यहां भुजा भी लिख सकते हैं, तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा, 2a, ठीक है। तो यहां a जो हमारी भुजा आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, नई, अब जो दुगना करने के बाद भुजा आएगी 2a, क्लियर। अब ये बोला, तो क्या बोल रहा है कि अगर दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो अब हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, भुजा तो हमको मिल गई नए वाले की, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, मतलब 2a बराबर 2a × 2a, भुजा गुणित भुजा यही होगी ना, दोनों का गुणा होगा, या फिर स्क्वायर कर देंगे दोनों का, वही चीज है। अब इसका अगर हम निकालेंगे तो 2 × 4 और a का ये में होगा, तो a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल। मतलब क्या बोला है, हमको क्वेश्चन पूछा कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल ये होगा, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्या बोला है, यदि वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई, है ना, अब मान लो ये हमारा एक वर्ग है, ठीक है, ये हमने बना लिया, सबकी भुजा ए ए ए ए है, क्लियर। अब बोल रहा है यदि वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए, मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई ए आधी कर दीजिए, मतलब 2 का भाग दे देंगे तब तो आधी होगी ना, है ना। तो हम इसकी आधी अगर कर दें तो यहां भी हो जाएगा a/2 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 और a/2, ये कर दी हमने, सबकी भुजा क्या कर दी, आधी कर दी। अब बोल रहा है यदि वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, या फिर ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। तो हमारी भुजा क्या है, a/2 हो गई ना आधी करने के बाद, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो क्षेत्रफल हम अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, a/2, ये तो हमने कर दिया ना आधा, और दोनों का क्या है, इसका स्क्वायर होगा, तो दोनों का गुणा कर देते हैं, a/2 × a/2, ये आ गया, तो ए स्क्वायर यहां आ जाएगा और यहां हो जाएगा 2 × 4, ये आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा, है ना। क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, यहां 1/4 अलग लिख लेते हैं, और ए स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा, जितना भी अगर इकाई दी है तो वो क्या हो जाएगी, अगर मीटर में दी है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा, मतलब कहने का मतलब, अभी तो हमको कुछ दिया नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल, है ना। तो क्षेत्रफल उसका क्या होगा, 1/4a², क्लियर। बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और बस करना है। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है,
एक वर्गाकार मैदान जिसका क्षेत्रफल 0.16 हेक्टेयर है, तो मैदान का परिमाप क्या होगा। अब हमको यहां क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है और हमसे परिमाप पूछ रहा है। अब ये हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन आपको अलग लग रहा होगा क्योंकि यहां 0.16 हेक्टेयर दिया है। अब हेक्टेयर हमको पता नहीं है कि कितने मीटर होते हैं, तो जो होता है क्या, एक हेक्टेयर बराबर होता है क्या, एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। यहां कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मीटर स्क्वायर, ये होता है एक हेक्टेयर बराबर। तो अब हमको अगर हेक्टेयर बराबर पता है तो हम इसको क्या कर देंगे, उसी में कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर स्क्वायर में। तो हमको क्षेत्रफल दिया है 0.16 हेक्टेयर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो यहां हम देखें तो क्षेत्रफल बराबर हमको जो दिया है पहले 0.16 है ना, और ये हेक्टेयर में दिया है, अब हमको बदलना है मीटर में। तो एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो हमको 10,000 का गुणा करना पड़ेगा, है ना, तब ये हम मीटर स्क्वायर में बदल सकते हैं इसको। तो ये हमने 10,000 का गुणा कर दिया। अब यहां दशमलव है तो यहां दशमलव हटा देंगे तो यहां आ जाएगा 100, दशमलव के बाद जितनी संख्या उतने जीरो आ जाएंगे तो हो जाएगा 100, और यहां कितना है 10,000, अब काट देंगे तो ये कट गया, 2 से 2 0, क्लियर। अब हमारे पास क्या बचा, 1600, है ना, ये 100 का गुणा हो जाएगा ना 16 में, तो 1600 मीटर स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, क्षेत्रफल के बराबर। और क्षेत्रफल के बराबर आ गया तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर, है ना, भुजा गुणित भुजा, है ना, वही चीज है, भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणित भुजा। तो ये हो जाएगा 1600, हो जाएगा 1600। अब यहां से अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें तो यहां लग जाएगा करणी, है ना, ये लग जाएगा, और 1600 के अगर हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएंगे, 1600 के निकालेंगे तो 4 × 16 मतलब आ जाएगा 400, यहां आ जाएगा 40, है ना, क्या जाएगा 40, क्योंकि 40 का जो वर्ग होता है वो होता है 1600, है ना, और 1600 वर्गमूल होता है 40, तो ये हो जाएगा भुजा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 40। तो हमारे पास अगर भुजा बराबर आ गया तो अब हम जो भी पूछ रहा है वो निकाल सकते हैं। अब मैदान का परिमाप पूछा है तो परिमाप बराबर क्या होता है, 4a होता है, परिमाप बराबर वर्ग का 4a होता है, तो a हमारे पास आ गई क्या, ये a ही है, भुजा को a ही बोलते हैं ना, तो a आ गया हमारे पास 40, तो 4 × 40 हमने वैल्यू रख दी। अब 4 × 40 4 × 16 160, और कहे में है मीटर में, तो मीटर परिमाप हमारा क्या आ गया, 160 मीटर, और ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्लियर। अब हम देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है कि एक वर्ग जिसकी भुजा यदि 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 60 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी, है ना, ये हमको ज्ञात करना है, वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको करना है, तो क्या बोला, एक वर्ग जिसकी भुजा यदि 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, है ना, तो देखिए एक वर्ग है, पहले तो मान लेते हैं हमको ये एक वर्ग है, ठीक है, इसमें क्या होती है, ए इसकी भुजा होती है, ए और ये भी ए भुजा होती है, और ये भी, क्योंकि 4 भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, हमको यहां क्षेत्रफल दिया है ना कि इसके क्षेत्रफल में 60 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, तो हम यहां क्षेत्रफल लेते हैं, तो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, है ना, भुजा गुणित भुजा होता है ना। अब बोल रहा है ये दूसरा वाला हम एक वर्ग और बनाते हैं ना, तो दूसरे वर्ग में क्या चीज डिफरेंट है कि क्या बोला है कि अगर 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए इसकी भुजा, तो हम यहां 4 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं, ए की जगह ए प्लस 4 कर देते हैं, तो 4 भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए प्लस 4 ही हो जाएंगे ना, यहां भी ए प्लस 4 हो जाएगा, यहां भी, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल में 60 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, अगर इसका क्षेत्रफल हम देखें तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणित भुजा, मतलब ए प्लस 4 इंटू ए प्लस 4, ये आ जाएगा। अब क्या बोला है कि अब दोनों का डिफरेंस देखिए, बोल रहे हैं 60 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाएगी, किसमें, पहले वाले वर्ग के बाद में जो
चार सेंटीमीटर बढ़ाया गया है भुजा, उसमें से क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी। मतलब ये जो है 60 सेंटीमीटर बड़ा है, और इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां 60 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, तो ये दोनों अब बराबर हो जाएंगे ना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये बड़ा था, अब हमने यहां भी 60 सेंटीमीटर को ऐड कर दिया, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। अब यहां अगर हम देखें तो ए स्क्वायर और यहां 60 है ना, तो यहां हम 60 ही लिखते हैं, और बराबर में भी हम क्या कर देते हैं ए स्क्वायर, ए का ए से गुणा होगा तो ए स्क्वायर, या फिर सीधे डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर हमारा क्या है, बी हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर होता है 4 चौके 16, तो 16 प्लस 2ab, मतलब 2a तो a ही है और b है 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, मतलब 8a आ जाएगा 8a, ठीक है, गुणा भी करेंगे तो यही आएगा, क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, तो a से ये a स्क्वायर तो कट जाएगा है ना। अब हमारे पास क्षेत्रफल बराबर क्या बचेगा, क्षेत्रफल बराबर बचेगा हमारे पास, यहां भी हम देख लेते हैं, तो हमारे पास 60 तो बचा ही है ना, बराबर में यहां बचेगा 16 और प्लस 8 ए, ये है। अब यहां भी हम क्लियर करते जाएं, तो 8 को लिखो 8 ए, ठीक है, और 16 का कर दो 60 के माइनस में पक्षांतर, तो ये कर दिया, तो यहां अगर 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा 2, और यहां 4 44 है ना, ए बराबर आ जाएगा 8 बटे में है ना, आ जाएगा। अब 8 से काटे या 4 से काटे है ना, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो आ जाएगा हमारे पास क्या, a बराबर 11 बटे 2, ये आ जाएगा। अब यहां हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5.5 सेंटीमीटर भुजा, अब सेंटीमीटर में दिया है क्वेश्चन, तो सेंटीमीटर में ये भी आंसर होगा, तो a बराबर आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, और यही हमको ज्ञात करनी थी भुजा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।